हाई एवरी वन माई सेल्फ आयुषी शुक्ला एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी सो आई थॉट मैने ऑफ़ यूअर केम इन बी एस सी थर्ड ईयर फ्रॉम बी एस सी सेकेंड ईयर सो मैंने uh, एक सीरीज स्टार्ट की है यहाँ पर हम चैप्टर वाइज टॉपिक को डिस्कस करेंगे वैसे uh, बहुत से चैप्टर्स टॉपिक जो हैं वो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं प्ले लिस्ट बनी हुई हैं आज जो वीडियो है वो बेसिकली बी एस सी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है ओके okay? तो जो मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ वो रोहिल यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड होती हैं और अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं उसे मैनेज कर लीजिएगा जस्ट बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी तो जो बुक है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जो चैप्टर फर्स्ट है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट basic thing of this chapter is operator if you are aware this word what is the operator and what are the kinds of operator then you can easily solve any question so first of all uh, we will talk about operator the operator basically are of three kinds so now first is forward operator and it is denoted by this this symbol okay and the second one is backward operator in the backward operator is uh, denoted by this symbol okay and the third one is shift operator so it is denoted by e so now the formula of this forward operator it is denoted by del fx fx is any function fx is any value so delta fx is equals to fx plus h and then minus fx Fx is the value that is given in your question, and then we used h. h is the increment. You can write it here, and the word h increment meaning is that it is sound like increase, so it means that. Uh, कि आप किसी चीज में किसी चीज मतलब किसी को इंक्रीज कर देना किसी नंबर को इंक्रीज कर देना उसमें कुछ ऐड कर देना सो so, यहाँ पे हम एच ऐड करते हैं जिस भी नंबर में हम एच ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर सेकेंड फार्मूला इज बैकवर्ड ऑपरेटर सो इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड हेयर इज द वैल्यू ऑफ एफेक्स एफेक्स इज एनी फंक्शन इज एफेक्स माइनस एफ एक्स सो हेयर इज एच इज ऑल्सो इनक्रीमेंट सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर देन नाउ एन उदर इज शिफ्ट ऑपरेटर इट इज डिनोटेड बाई लेती हूँ और उसकी हेल्प से आपको एक बार इसे समझाती हूँ कि कैसे ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे ओके सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूर बुक इफ यू हैव बुक देन यू कैन चेक इट तो यहाँ पे डेल है तो आपको ये तो दिख क्या कि ये डेल है तो डेल मीन्स दिस इज द फॉरवर्ड ऑपरेटर सो यू नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर सो वॉट इज द फॉर्मूला फॉरवर्ड ऑपरेटर इज दिस डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स सो मैनी ऑफ द टाइम यू कैन टेक इंक्रीमेंट एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सो इन दिस क्वेश्चन द इंक्रीमेंट एक्स इज इक्वल्स टू वी नीड टू लेट एच इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम वन लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ए एक्स इज इक्वल्स टू यानी कि फंक्शन में हमें इंक्रीमेंट करना है ए एंड देन एक्स प्लस एच की जगह पे हम यहाँ पे वन ले रहे हैं ओके okay? देन जो हमारा फंक्शन है उसको डायरेक्टली हम पे लाके सबट्रैक्ट कर देना है टेन ए एक्स सो ना अब हमें इसे अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है देन द फॉर्मुला ऑफ टेन इज साइन अपॉन कॉस देन माइनस साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स यू नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस ए एंड देन अपॉन में इज कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स So this is the formula of sine a into cos b minus uh cos into sine b. So the formula is sine a minus b. So here is the a and here is the b. So here is the a sine ax plus a minus ax. And then upon to way same same. cos a x plus a ax. And then a x ax is the cancel, then you get sine a upon cos ax plus a into cos a x. सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ टेन ए एक्स सो यहाँ पे इंक्रीमेंट को लेकर एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंक्रीमेंट को वन कैसे लिया क्योंकि हमें यहाँ पे ए था ठीक है तो ए को सॉल्व भी क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करना होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी किसी क्वेश्चन में हम इंक्रीमेंट जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन को दो तीन बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ खुद से पता लगने लग जाएगी कि इंक्रीमेंट में हमें कहाँ एच यूज़ करना है कहाँ पर वन यूज़ करना है तो आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए देर इज अ वन क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फाइव एक्स ट्वेल्व एंड देन अपॉन में होता है एक्स स्क् प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन विल आस्क मेनी टाइम इन योर एग्जाम सो आई विस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो वेन एवर द नेक्स्ट वीडियो विल कम यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू अ कॉमेंट एंड थैंक यू सो मच